जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेड़ी इलाके में सोमवार को सेना ने एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सेना के वाहन को एक ग्रेनेड से निशाना बनाया और उस पर गोलीबारी की। अधिकारियों ने बताया कि ये घटना दोपहर करीब 3:30 बजे हुई, जब कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोहई मल्हार में बदनौता गांव के पास माचेड़ी किंडली मल्हार मार्ग पर सेना की गाड़ी नियमित गश्त पर थी। कठुआ जिले में एक महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हमला है। सोमवार के हमले से पहले 12 और 13 जून को इसी तरह की एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए थे और CRPF के एक जवान की जान चली गई थी। सोमवार को घात लगाकर किए गए हमले के बाद आतंकवादी नजदीक के जंगल में भाग गए। पुलिस और अर्धसैनिक बल के सहयोग से सेना जवाबी कार्यवाही कर रही है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए क्षेत्र में तुरंत अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए। माना जाता है कि आतंकियों की संख्या 3 है और वे हथियारों से लैस है तथा वे हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ कर आए थे। पुलिस महानिदेशक RR स्वैन उधमपुर जिले के बसंतगढ़ से लगे घने वन क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं, जहां पूर्व में कई मुठभेड़ हुए हैं। ये वन क्षेत्र उधमपुर जिले के बसंतगढ़ से लगा हुआ है। बसंतगढ़ के पनारा गाँव में 28 अप्रैल को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ग्राम रक्षा प्रहरी मोहम्मद शरीफ की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि ऐसी आशंका है कि सीमा पार से घुसपैठ करने के बाद आतंकवादियों ने भीतरी इलाकों तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल किया था। सेना के वाहन पर 10 जवान सवार थे, जो हमले की जद में आ गए। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर लिखा, मैं कठुआ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हूँ। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का संयुक्त अभियान जारी है। हमें अपने सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने इस आतंकी घटना में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कठुआ आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। आतंकियों द्वारा की गई इस कायरतापूर्ण घटना से देश डरने एवं झुकने वाला नहीं है। हमारे सुरक्षा बल आतंकियों की इस हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे।